Hello everyone. So today we will start with the in-text questions of the chapter Chemical Kinetics. So let's start with the in-text question number 1. So the question says, for the reaction R which gives you products, the concentration of a reactant changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. यहाँ पर इस m का मतलब क्या है? This is mole per liter, right? Concentration of the reactant. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and in seconds. So, सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिख लेते हैं reaction. Reaction दी हुई है आपको R to P. R is for reactant and P is for product. At T equals to 0. At T equals to 0, reactants की concentration कितनी है? 0.03 m, right? And after 25 minutes, T equals to 25 minutes पर, जो reactant की concentration है, वो reduce हो गई है 0.02 पर. 0.02 m अब है reactant की concentration. ठीक है? आपको कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो लिखिए फॉर्मूला. हमें पता है अच्छे से एवरेज रेट कैसे निकालते हैं. एवरेज रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस हमें लेना है. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस कैसे लेंगे? डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी. एंड क्योंकि रिएक्टेंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए हम यहां पर लेते हैं माइनस के साथ. ठीक, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो कितना जाएगा? माइनस डेल्टा आर. चेंज कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल कितना होगा? आर टू माइनस इनिशियल इज आर वन डिवाइड बाय डेल्टा टी इज टी टू माइनस टी वन. फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में देखिए, ये जो है आपके पास t equals to 0, this is time t1 पर आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 0.03 m, this is r1. ठीक, t equals to 25 minutes, ये है टाइम t2. इस टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो कितनी है? 0.02, that is r2. अब हमें क्या करना है? इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले में. चलो करते हैं. एवरेज रेट इक्वल्स टू माइनस आर टू की वैल्यू कितनी है? आर टू इज 0.02, तो 0.02 माइनस आर वन इज 0.03, 0.03 डिवाइड बाय टी टू की वैल्यू कितनी है? 25 मिनट्स माइनस टी वन इज 0. तो ये कितना है आपके पास? माइनस 0.03 माइनस के हैं और प्लस है 0.02, तो अंदर आपके पास आएगा माइनस 0.01 डिवाइड बाय 25. कितना बचा? 0.01 डिवाइड बाय 25. यूनिट्स देखिए कितनी होंगी. ऊपर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर डिवाइड बाय 25. किस में था? मिनट्स में. ठीक है, तो 0.01 डिवाइड बाय 25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0004 मोल पर लीटर पर मिनट. ठीक है, इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁴. माइनस 4 कैसे? ये पॉइंट को ले जाओ 4 के राइट साइड, 4 डिजिट रिप्लेस किया है तो ये हो जाएगा 10⁻⁴. और यूनिट क्या होगी? दिस मोल पर लीटर इज कैपिटल एम पर मिनट. ठीक है, दिस इज द आंसर इन मिनट्स. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. क्यों? आपसे सेकंड्स में भी आंसर पूछा गया है. ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एवरेज रेट इन सेकंड. अब वापस से पूरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है आपको. क्या करेंगे? ये जो आंसर आया है मोल पर मिनट में, इसी को चेंज कर देंगे सेकंड्स में. सो एवरेज रेट अभी आपने निकाला 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट. इसको चेंज करना है सेकेंड्स में. देखो ये जो है पर मिनट, इसको मैं नीचे लिख दूं,
यहाँ पे है मिनट। अब इसको सेकेंड्स में कैसे चेंज करेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कैपिटल एम दैट इज मोल पर लीटर डिवाइड बाय, एक मिनट में होते हैं आपके पास 60 सेकेंड्स, है ना। तो यहां पर हम एक मिनट की जगह लिख देंगे 60 सेकेंड, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 60 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, एवरेज रेट। तो आपके पास दो आंसर आए, कौन कौन से, इन दोनों को कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द एवरेज रेट इन द यूनिट ऑफ मिनट्स एंड दिस इज द एवरेज रेट इन विच वी यूज द यूनिट ऑफ टाइम एज सेकेंड्स, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय बाय।